हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम व्यासुनी सिंह, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग से। दोस्तों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग क्या है, उसके बारे में बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग के एंड उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, जैसे सीपीयू, माउस, यूपीएस, एसएमपीएस। तो आज हम जानते हैं उसके एक एक कंपोनेंट्स के एक एक बारे में, जैसे माउस क्या है, यूपीएस क्या है, एसएमपीएस क्या है। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आज जानते हैं कि सीपीयू, व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या है। CPU स्टैंड फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एवरी कंप्यूटर में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द CPU सेंड सिंगल टू कंट्रोल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, almost like how a brain control a body। CPU कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करने के लिए संदेश भेजता है, लगभग उसी तरह जैसा मस्तिष्क किसी शरीर को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को नियंत्रित करता है, सिम उसी तरह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी उसी तरह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। The CPU is an electronic machine। CPU एक electronic machine है that work on the list of computer things to do called instruction। जो computer की चीजों को एक सूची पर काम करती है जिसे निर्देश कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका definition हो गया, एक central processing unit हर computer का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। CPU कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करने के लिए संकेत भेजता है, लगभग उसी तरह जैसे मस्तिष्क किसी शरीर को नियंत्रित करता है। CPU एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर के की चीज़ों को एक सूची पर काम करती है जिसे निर्देशक कहा जाता है। तो शायद हमारा डिफिनेशन CPU क्या है आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? तो दोस्तों, दी मदरबोर्ड इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड फाउंडेशन ऑफ ए कंप्यूटर। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर की नींव है। दैट इज द बिगेस्ट बोर्ड इन ए कंप्यूटर चेसिस। कंप्यूटर चेसिस में सबसे बड़ा बोर्ड है। इट एलोकेट पावर एंड allow communication to and between the CPU RAM, जो यह शक्ति आवंटित करता है और CPU RAM और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के संचार को अनुमति देता है and all other computer hardware components। तो इसका डिफिनेशन हो गया, द मदरबोर्ड इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड फाउंडेशन ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज द बिगेस्ट बोर्ड इन ए कंप्यूटर क्लासेस। इट एलोकेट्स पावर एंड अलाउ कम्युनिकेशन टू एंड बिटवीन द सीपीयू रैम एंड अदर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। मदरबोर्ड एक मुद्रित संकेत बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है और कंप्यूटर की एक न्यू है जो कंप्यूटर चेसिस में सबसे बड़ा बोर्ड है। यह शक्ति आवंटित करता है और सीपीयू रैम और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है। तो दोस्तों, व्हाट इज मदरबोर्ड, ये भी आपको समझ में आया होगा मदरबोर्ड क्या है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, रैम, व्हाट इज रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्रकार की मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर। रैम एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है
जो डाटा को रीड करती है। इट इज मोस्ट फास्टर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन अदर काइंड टू स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क एसएसडी एंड ऑप्टिकल ड्राइव। रैम एक मुख्य कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव जैसे ये अन्य प्रकार की स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने में बहुत तेज है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं, जो रैम है वो अपना ना डिस्प्ले स्विंग में ज़्यादा उपयोग होता है। रैम का मुख्य काम हो कंप्यूटर में मेन मेमोरी होता है। जैसे किसी चीज़ को आप शो करते हो तो रैम के थ्रू आपको शो होते हैं। जैसे बीप हो रहा है कंप्यूटर या कुछ हो रहा है तो रैम की प्रॉब्लम की वजह से होता है। नाउ दोस्तों अगले कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? ए कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है विथ यूज ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ यूज होता है। सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की, और यह एक प्रकार का टाइपराइटर होता है। कीबोर्ड जो होता है वो एक प्रकार का टाइपराइटर होता है। एक कीबोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ बटन यूज्ड टू क्रिएट लेटर नंबर्स एंड सिंबल एंड परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। कीबोर्ड अक्षरों संख्याओं और प्रतीकों को बनाने और अतिरिक्त कार्य करने के उपयोग किए जाने वाले बटनों से बना होता है। जैसा इसका डिफिनेशन हो गया, ए कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड विद ए कंप्यूटर सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। ए कीबोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ बटन यूज्ड टू क्रिएट लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स एंड परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। इसका हिंदी में डिफिनेशन हो गया, एक कीबोर्ड कंप्यूटर्स के साथ उपयोग किए जाने वाली प्राथमिक इनपुट उपकरणों में से एक है। एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के समान एक कीबोर्ड अक्षरों संख्याओं और प्रतीकों को बनाने और अतिरिक्त कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बटनों से बना होता है। तो दोस्तों व्हाट इज कीबोर्ड क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस क्या है? ए कंप्यूटर माउस इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है दैट कंट्रोल ए कर्सर इन ए जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जो कर्सर के थ्रू कंट्रोल होता है ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में, फॉर पॉइंटिंग मूविंग एंड सेलेक्टिंग टेक्स्ट आइकन फाइल्स एंड होल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर पर होल्डर फाइल आइकन या सेलेक्टिंग टेक्स्ट को मूविंग पॉइंटिंग करने के काम में आता है। कंप्यूटर माउस एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर टेक्स्ट आइकन फाइल्स और फोल्डर को इंगित करने, स्थानांतरित करने और चयन करने के लिए ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित करता है। अगला कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। SMPS, व्हाट इज SMPS? SMPS क्या है? तो फर्स्ट SMPS का फुल फॉर्म स्विचेस मोड पावर सप्लाई। द फुल फॉर्म ऑफ SMPS इज स्विचेड मोड पावर सप्लाई, also known as switching mode power supply. SMPS का full form switching mode power supply है, जिसे switching mode power supply भी कहा जाता है। SMPS is an electronic power supply system that make use of a switching regulator to transfer electric power effectively. SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली आपूर्ति प्रणाली है जो विद्युत शक्ति को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के लिए स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करती है। SMPS क्या है? स्विचिंग रेगुलेटर एक रेगुलेटर का प्रयोग करती है। ना जानते हैं व्हाट इज UPS? UPS क्या है? एन यूनिट्रिटेबल पावर सप्लाई।
इज ए डिवाइस, यूपीएस एक डिवाइस है दैट प्रोवाइड बैटरी बैकअप, जो बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर फेल और ड्रॉप टू एन अनएक्सेप्टेबल वोल्टेज लेवल, जो विद्युत शक्ति विफल होने या अस्वीकार वोल्टेज स्तर तक गिरने पर बैटरी बैकअप प्रदान करता है उसे यूपीएस कहते हैं। जैसे यूपीएस एक उपकरण है जो विद्युत शक्ति विफल होने या लो वोल्टेज पर बैटरी बैकअप प्रदान करता है उसे हम यूपीएस कहते हैं। व्हाट इज हार्डिक्स, हार्डिक्स क्या है? तो दोस्तों ए कंप्यूटर हार्डिक्स इज ए नॉन वोलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस। हार्डिक्स जो है वो एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम नॉन वोलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। नॉन वोलेटाइल रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइस दैट मेंटेन्स स्टोर डाटा व्हेन टर्न ऑफ। इन उस ये स्टोरेज डिवाइस को संदर्भित करता है जब बंद होने पर, जो जब हमारे सिस्टम ऑफ होने पर संग्रहित डेटा को बनाए रखता है। यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जो हमारे सिस्टम को ऑफ होने के बावजूद डाटा को हमेशा अपने पास सेफ रखता है, बनाए रखता है। हमें जब जरूरत पड़ती है तब हार्ड डिस्क में जाके अपने डाटा को कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो हमारे टॉपिक्स आपको पसंद आया हो तो से हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।